हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है भोपाल का न्यू मार्केट एरिया। और ये जो बड़ा गेट दिखा है ना, ये पता है क्या है? ये मैं आपको बता दूँ, ये रंग महल टॉकीज, ठीक है, जो कि अभी बंद है फिलहाल। और ये है हम न्यू मार्केट आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। और घर में शादी है, पर किसकी शादी है ये अभी हम नहीं बताएंगे। पता है लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी अभी जो है ना, भीड़ बहुत कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। सभी लोग मास्क लगा के घूमते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मास्क में नहीं दिखते हैं। तो अच्छा लगा। और बारिश भी हो रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग साड़ियाँ देख रहे हैं। तो साड़ियाँ, एक से एक साड़ियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। आप देख सकते हो, हम लोगों ने 5-6 साड़ी ली थी। तो 5-6 साड़ी ली है, पर अलग अलग दुकान से ली है, एक ही दुकान से नहीं ली। तो अलग अलग दुकान में अभी हम जाएंगे, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। ये देखो, नीचे सबसे एक साड़ी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, ये वाली है जो ये दिखा रहे हैं ना, ऊपर हाथ में लिए हुए हैं। ये देखो, ये वाला, इसके जो बॉर्डर है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो, पर नहीं लिया ये वाली साड़ी हम लोगों ने, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा अजीब था बीच में। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाली साड़ी हमने फाइनली जो है ले ली है। ये वाली साड़ी का जो ब्लाउज़ है, वो ब्लू ब्लू बोल रही सॉरी ग्रीन कलर का है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो साड़ी हमने ले ली है। इसके अलावा अब ये हम दूसरी शॉप पे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी देखो, ये हमें साड़ी दिखा रहे हैं। हम 3 या 4 दुकान गए थे साड़ियों की, जहाँ से हम लोगों ने हर दुकान से एक एक साड़ी ली। तो ये देखो, यहाँ से हमने जो एक साड़ी ये वाली ले ली है हम लोगों ने, तो इसके हम लोग मैचिंग करवा रहे हैं, चूड़ी चूड़ी मैचिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा माल बोल रहे थे दुकान में अभी नहीं है। और ये अब हम आए दूसरे दुकान में, तो यहाँ पे जो थी ना, बहुत सारी चूड़ियाँ थी यहाँ पे, हमें मिल गई थी चूड़ियाँ, हमें जो जो चाहिए थी। तो हम लोगों ने 3-4-5 साड़ी की जो है यहाँ पे चूड़ी सेट करवा लिए थे। और ये आए हम लोग चाइना सेल, अगर कोई भोपाल में रहता है तो जानता होगा ये चाइना सेल है। यहाँ पे हर चीज़ें मिल जाती हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े चीज़ों जो है यहाँ से मिल जाती गाइस हैं कैसे बच्चों हो के आप लिए सब? भी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है ना, मतलब हम लोग मार्केट गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ। अब भी आके जो है ना, मैंने मुंह धोया है, कपड़े चेंज किए हैं और मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं कैसी दिख रही हूँ। मुंह धोया तो देखो, ये बिंदी भी पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थकान हो रही है शरीर में, क्योंकि हम लोग पता है कितने बजे से गए थे? हम लोग गए थे 3 बजे, और 3 बजे से हम अभी आए थोड़ी देर पहले। तो देखो जो आप कितने देर से हम लोग गए हैं, तो ना बहुत थक गए, फिर चलना चलना चलना, फिर पैदल आए हैं, पैदल गए हैं, क्योंकि न्यू मार्केट में ही हमारा घर भी है, तो गाड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही पैदल पैदल चले गए थे, पैदल पैदल आ गए हैं। तो और पानी हो रहे गिर रहा है बहुत ज़्यादा, पानी में फंस गए थे हम लोग, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ वाली बारिश थी। और मैं घर आई हूँ ना, तो घर में ना पानी टपक रहा है अंदर, डिब्बे लगाए नीचे। अभी मैं दिखाऊंगी बाद में, और कभी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो लंबी हो चुकी है। तो अब मैंने जो आप लोगों को शॉपिंग जो करी है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो अभी आज की जो वीडियो आप लोग पूरा अगर आपने देखा है तो आपको पता वैसे चल जाएगा कि मैंने क्या क्या लिया है। लेकिन मतलब वीडियो जो होगी ना, मतलब जिसमें मैंने दिखाऊंगी आपको कि मैंने शॉपिंग में क्या क्या लिया है, तो फाइनली उसमें आपको अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा। तो और किसकी शादी है ये मैंने अभी आपको नहीं बताई है, ये एक सस्पेंस है, सस्पेंस ही बोलते हैं ना, तो एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मैं बाद में बताऊँगी कि किसकी शादी है। बस अभी मैंने शॉपिंग दिखाई है आप लोगों को, और शॉपिंग में क्या किया है, तो और किसकी शादी है, ये जो बातें हैं मैं आपसे बाद में करूँगी, ठीक है? तो गाइज, आज मैं पता है आज कल जो है ना, मैं वीडियो अपलोड करने वाली थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं, क्या हुआ, मैंने वीडियो बनी बनाई रखी थी। हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारी, हजारों से ज़्यादा बल्कि तादाद में जो है टिड्डियाँ जो होती है ना, टिड्डियाँ जो अभी टिड्डी गैंग चल रहा है, तो वो आए थे, तो वो हमारे घर के पूरे पेड़ पर बैठ गई, इनकी पूरे पत्ते उड़ा दिए उन्होंने। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा था वो शेयर करूँगी, इसके अलावा मैं अपनी रूटीन भी मैंने शेयर किया था। बट पता वो वीडियो क्या होगा, मैंने 3 बार डाला, तीनों बार रिजेक्ट रिजेक्ट बताने लगा, नहीं 2 बार डाला था, 2 बार रिजेक्ट बताया, फिर मैंने 3री बार उसको ट्राई नहीं किया। मैंने सोचा यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने फिर 3री बार नहीं अपलोड किया। पता इसी चक्कर में जो मेरी वीडियो कल नहीं आ पाई,
तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, आप लोग मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं अब बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करूँगी। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी उस वीडियो में, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाई। वरना मैं रोज़ वीडियो डाल रही हूँ, आप लोगों को पता है ना कि मैं रोज़ वीडियो डाल रही हूँ, बट कुछ ना कुछ जरूर दिक्कत रही होगी उस वीडियो में, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाई। और मैं भी आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी वीडियो दो बार अगर नहीं अपलोड हो रही है, अगर वो रिजेक्ट हो रहा है, तो तीसरी बार बिल्कुल मत डालना। तो मैं नहीं डालूँगी। अब खाना भी बनाना है, डिनर, तो खाना बनाऊँगी, फिर किट्टू के लिए दूध उबालूँगी, झाड़ू लगाना है, बर्तन भी धोने हैं, बहुत काम है गाइस, बहुत काम है। पता है यार, ऐसा लगता है ना कि अपन थक के आ गए, सो जाए कोई खाना बना के दे दे, नहीं, सब काम करना पड़ेगा अब तो। तो चलिए ठीक है, फिर सारी औरतों का, मैं अपनी बात नहीं करी, सभी औरतों का यही है, कितना भी थक जाएंगी पर घर में उनको खाना बना के देना ही पड़ेगा। जैसे अपने हस्बैंड है, वो तो अगर अपने साथ जाएंगे तो आके आराम कर लेंगे। हमारी लाइफ ऐसी कि हम आराम कर ही नहीं सकते हैं, चाहे हमारे लिए हर दिन बराबर होता है, संडे सैटरडे हर दिन। तो अब यहाँ पे देख सकते हो किट्टू जो है खेल रही है। किट्टू आगे ही दादी के पास थी वो, और यहाँ पे उसके पापा उसके साथ लेटे हुए हैं, दोनों मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हो अब। और ये पता है मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहती, ये पापा के साथ ही ज़्यादा रहती है और उनके साथ ही मस्ती करती है। और मैंने सोचा मैं डिनर बना लूँ, देखो मैं डिनर बना रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, तो ज़्यादा मैं कुछ स्पेशल वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ। मैं पुलाव बना रही हूँ, जिसे आप बिरयानी भी बोलते हो, बट बिरयानी में आप हरी सब्जी वगैरह ऐड करते हो, बट मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस सोयाबीन बड़ी ऐड करेंगे। और अगर आपके पास दाल है ना, मूँग की दाल, तो आप मूँग की दाल ऐड कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ गाइस, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऐसा लग रहा था कब मैं सो जाऊं बस, लेकिन अभी मुझे बहुत काम करना है। घर में आने के बाद ना, मतलब घर पूरा फैल जाता है, अगर घर में आप थोड़े देर नहीं रहते हो ना, तो घर की हालत बैंड हो जाती है। जब मैं आई ना, तो घर इतना फैला हुआ था, दूध की बोतल कहीं पड़ी हुई थी, कपड़े या कहीं पड़े हुए थे, ये सो के उठे थे ना, तो बिस्तर भी इन्होंने नहीं साफ किया, करते हैं मतलब ये, तो बिस्तर फैला हुआ था, किट्टू भी खिलौने वगैरह फैले हुए थे उसके, इन्होंने कपड़े चेंज किए थे, कपड़े फैले हुए थे, तो ना मतलब पूरा घर फैला हुआ था। और ऐसा सभी घरों में होता है, पता है, अगर औरतें घर में ना हो ना, तो घरों का तो भैया घर में घुसने की हिम्मत ही नहीं होगी किसी का, ऐसा हो जाएगा। सिर्फ औरतें ही होती हैं जो पता है घर को साफ सुथरा करके रखती हैं, कुछ कुछ होते हैं हस्बैंड भी जो साफ सुथरा रखते हैं, मेरे हस्बैंड रखते हैं, बट जब उनका मूड होता है ना तब, लेकिन वैसे तो नहीं, वैसे नहीं करते और टाइम भी नहीं मिलता करने का। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो औरतों का काम है वो तो औरतों को करना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, ये चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ, बिरयानी मसाला। आपको अगर मैं बताऊँ तो आप ना, मतलब अगर आपके पास बिरयानी मसाला है और चिकन मसाला है, ये कोई सब्जी मसाला है, अगर आप तीनों मिक्स करके डालते हो ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना दोनों, मेरे पास तो चिकन मसाला था, सब्जी मसाला नहीं था, तो मैंने चिकन मसाला और बिरयानी मसाला दोनों ऐड कर दिया था इसमें, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जी भी मेरी बनते जा रही है, किट्टू के लिए मुझे अभी एक तरफ दूध भी उबालना है, और बहुत काम होता है यार गाइस घर में, बहुत ही ज़्यादा, और थक जाओ ना तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। यहाँ पे किट्टू देखो कुछ सोच में डूबी हुई है, पापा गए थे उसके बाहर, तो पापा को देख रही थी वो। और ये देखो खरबूजा लेकर आकर, अब ये लोग खरबूजा खाएंगे बैठ के, उनको भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि मैं लेट आई थी और लेट बनाना शुरू किया था, तो भूख लगने लगी थी, तो मैंने कहा कुछ खा लो, तो दुकान से ना ला के, ये वहाँ से फ्रिज में रखा होता खरबूजा, वहाँ से लेकर आए थे ये। तो देखो ये, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खरबूजा, पता है बहुत ही गंदा लगता है। एक ये पपीता, और ये तो मुझे बहुत गंदे लगते हैं, इससे अच्छा भले से ना मुझे ये तरबूज वगैरह खा लो, ये अच्छे लगते हैं, पर खरबूजा तो बहुत गंदा लगता है मुझे। पपीता किस किस को अच्छा लगता है बताना मुझे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दोनों जो है ना खा रहे हैं, बाप बेटी कि देखो बैठ के, और टीवी भी देख रहे थे, श्री कृष्णा आ रहा है टीवी पे, और श्री कृष्णा हम लोग रोज़ देखते हैं, बहुत ही अच्छा आता है और अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ देखना, और बच्चों को दिखाना भी चाहिए ऐसी चीज़ें ना, मतलब अच्छा लगता है उनमें, थोड़े से अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं दिमाग में। तो अभी तो वो छोटी है, लेकिन
वैसे भी आपको देखना चाहिए, अपना जो मन होता है ना वो हल्का हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है, लगने लगता है कि हाँ भैया भगवान जी हैं वैसे हैं, बट उनकी पिक्चर देखो या उनकी सीरियल वगैरह देखो तो मतलब अंदर से जो अपना रोम रोम है ना, दिल जो होता है ना खुश हो जाता है, पता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सोयाबीन बड़ी जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अगर आपके पास में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर मूंग दाल है तो आप मूंग दाल ऐड कर सकते हो, बट मैं ऐसे सिंपल बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मूंग दाल नहीं था और सब्जियाँ भी नहीं थी कोई भी, तो मैंने ऐसे ही बना लिया था। बस इसमें 1.5-2 गिलास पानी ऐड करके और इसको रख देंगे, सीटी लगा देंगे। और मेरा जो ये कुकर है ख़राब हो चुका है, पता है, इसमें सीटी नहीं आ रही है और मेरे पास एक ही कुकर है, बहुत दिक्कत होती है मुझे बनाने में। तो इसको मद्दा करके पहले तो मैं, पता है, इसको हल्के हल्के से पकाऊंगी ताकि वो पानी निकलता है ना सीटी से, कभी कभी अगर सीटी आती भी है ना तो पानी निकलने लगता है, उससे फैल जाता है पूरा गैस भर जाता है पानी पानी में, तो उसके पास खड़े होकर बीच बीच में देखना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है यार सच में। ये मुझे लेना है दूसरा कुकर, अब देखते हैं कब ले पाते हैं। एक मेरे पास एक ही है, ये छोटा है, थोड़ा सा इससे बड़े साइज़ में जो है ना एक कुकर लेना है। अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना घर में तो फिर चावल कम पड़ जाते हैं इसमें, तो भगोनी वगैरह में बनाना पड़ता है ना, बड़ा कुकर रहेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पर किट्टू के दूध भी मैंने उबाल लिया, देखो ये बन गया हमारा पुलाव, देखो कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। वीडियो एंड करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बात करने की भी हिम्मत नहीं। तो आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।